हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हम लोग डेली इस चीज को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हम लोग का टॉपिक है सरफेस टेंशन। क्या है हम लोग का टॉपिक? सरफेस टेंशन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। सरफेस टेंशन होता क्या है? देखिए, सरफेस टेंशन में आज हम लोग पढ़ेंगे कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है। गर्म सूप जो होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, खाना भी ले सकते हैं, कि गर्म खाना जो होता है वो स्वादिष्ट लगता है, क्यों लगता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा जो है, वर्षा के बाद किसान जो होता है खेतों को जुताई क्यों करता है, वो खेतों को जल्दी से क्यों जोत जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा है, ब्लैक बोर्ड जो होता है उस पर हम लोग चौक से कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख पाते हैं और कैसे अक्षर उभरने लगता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका, पेड़ पौधों की शाखाओं में पानी जो होता है कैसे पहुंचता है, पेड़ पौधों की शाखाओं में पानी जो होता है कैसे पहुंचता है, किस कारण पहुंचता है, किसके वजह से पहुंचता है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके बाद लालटेन और लैंप जो होता है उसमें तेल जो होता है, तेल नीचे से ऊपर कैसे पहुंचता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे ब्लॉटिंग पेपर में स्याही कैसे सोख लेता है, ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो स्याही को कैसे सोख लेता है, किस कारण सोख लेता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका है पेन की निब जो होता है, पेन का निब, निब वाला जो पेन होता है, अभी तो नहीं चलता है लेकिन पहले चलता था, पेन के निम में जो होता है बीच में चीरा क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये सभी चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले सरफेस टेंशन होता क्या है, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ को कम करने के लिए, द्रव के पृष्ठ को कम करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, द्रव के पृष्ठ जो होता है वो क्या करता है, अपने क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। फिर से आप समझिए, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसका पृष्ठ तनाव हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, इसे हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक बार और, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए, द्रव के पृष्ठ क्षेत्र में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए, जिसके कारण इसका पृष्ठ हमेशा तनाव में रहता है, इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। अगर आपसे पूछते हैं पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो आप क्या बताएंगे, न्यूटन प्रति मीटर। क्या बताएंगे, न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए, द्रव का ताप बढ़ाया जाता है, अगर द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है। अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी द्रव को गर्म करेंगे तो उसका सरफेस टेंशन जो होगा कम हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग क्या करते हैं कि सूप को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण भोजन जो है क्या लगता है, गर्म सूप जो होता है हम लोगों को स्वादिष्ट लगता है। गर्म सूप क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। ठीक है, कि ये वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई क्यों करता है। अब देखिए, आप पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आपको आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी हम इसके डिफिनेशन पे चर्चा करते हैं। कारण कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने के, द्रव के पृष्ठ, द्रव जो होता है उसके सबसे ऊपर वाला पृष्ठ होता है, ये किसी पात्र में हम लोग क्या किए, द्रव को रखेंगे। ठीक है, ये हो गया द्रव के सबसे ऊपरी पृष्ठ। देखिए कह रहा है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ये जल जो होता है, लिक्विड जो होता है, ये क्या करता है, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको जिस पात्र में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, वो उसी का आकार ले लेता है, उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, प्रवृत्ति होती है। तो इसका पृष्ठ हमेशा क्या रहता है, तनाव की स्थिति में, इसके पृष्ठ जो है हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब इसका जो ऐसा यूनिट जो होता है, इसको किस में मापा जाता है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। और द्रव का ताप बढ़ाने पर, द्रव का अगर ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है।
पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो ये क्या करें, देखिए द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, द्रव का ताप बढ़ाइएगा तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और इसके कारण कि जब हम गर्म भोजन करते हैं तो हमारे जीभ पे, हमारी जीभ जो है टोंग जो है उस पर आसानी से क्या होता है, ये फैल जाता है और चारों तरफ फैलने के कारण ये जो सूप जो होता है हम लोग को स्वादिष्ट लगता है। इसी के कारण इस द्रव का जो क्वालिटी होता है, सूप जो होता है वो क्या होता है, उसको जब आप गर्म कीजिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो ये क्या करेगा, आसानी से फैल जाएगा। जब हम लोग सूप को लेंगे पियेंगे तो आसानी से क्या हो जाता है, हमारे जीभ पर चारों तरफ फैल जाता है और हम लोग को क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। ठीक, ये क्लियर हो गया आपका पहला। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोहेसिव फोर्स, एहेसिव फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, सरफेस टेंशन का ही पार्ट से कोहेसिव फोर्स, एहेसिव फोर्स हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए कोहेसिव फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, अगर आप इसको लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, हम फिर जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कोहेसिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कह रहा है कि कोहेसिव फोर्स एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं या ससंजक बल कहते हैं, इसको हिंदी में ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणु के मध्य, मतलब एक ही पदार्थ के अणु, अगर कोई भी पदार्थ होगा तो वो एक ही पदार्थ होगा, एक पदार्थ। जैसे हम किसी भी चीज को ले लेते हैं, जैसे वाटर, सॉरी हम लोग किसी चीज को ले लेते हैं तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके जितने भी अणु होंगे वो क्या होंगे, एक ही पदार्थ होंगे, अलग अलग पदार्थ के नहीं होंगे। जैसे ठोस में ससंजक बल का मान जो होता है अधिक होता है। अब इसके थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणु, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। लगने वाले आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। अब देखिए ससंजक बल का कुछ गुण जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठोस में ससंजक बल का मान जो होता है अधिक होता है, ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है। द्रव में ससंजक बल का मान जो होता है कम होता है, और गैस में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। अब देखिए बात ये आता है कि जब हम रूम में क्या करते हैं, जब स्प्रे करते हैं, सेंट लगाते हैं, तो वो पूरा रूम में कैसे फैल जाता है, क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि गैस जो होता है, गैसों में क्या होता है, विसरण का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। और उनका जो ससंजक बल का मान जो होता है काफी नगण्य होता है, क्या होता है, काफी नगण्य होता है। ससंजक बल का मान काफी कम होता है, मतलब नगण्य ना के मात्रा में होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं कि जल्दी से वायुमंडल में फैल जाते हैं, क्या होते हैं, जल्दी से वायुमंडल में फैल जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं, लिखिएगा ठोस में, लिखिएगा ठोस में ससंजक बल का मान, ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, ठोस में ससंजक बल अधिक। ठीक है, अब आता है द्रव में, देखिए द्रव में क्या होता है, ससंजक बल का मान कम होता है, द्रव में ससंजक बल कम, और गैस में ससंजक बल का नगण्य होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर, नहीं के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है, जिसके कारण गैसों में क्या होता है, विसरण का गुण पाया जाता है। और हम क्या करते हैं कि अगर
एक जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे को छोड़ते हैं, परफ्यूम को छोड़ते हैं, तो वो चारों तरफ फैल जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि बताइए कि स्प्रे को जब हम लोग छोड़ते हैं तो चारों तरफ कैसे फैल जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसमें जो होता है विश्रम का गुण पाया जाता है। ठीक है, गैसों में कौन सा गुण पाया जाता है, विश्रम का गुण पाया जाता है, और इसमें ससंजक बल का मान नहीं होता है। ससंजक बल का मान नगण्य होने के कारण जब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्प्रे को छोड़ते हैं तो चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसलिए इसमें लिखना है गैस में, इसलिए गैसों में विशिरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एहेसिव फोर्स के बारे में। देखिए, कभी कभी कोहेसिव फोर्स, एहेसिव फोर्स को लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से समझना ये है, कोहेसिव फोर्स में से एक ही पदार्थों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, ससंजक बल कहते हैं, यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं। दूसरा आपको ये पढ़ना है असंजक एहेसिव फोर्स के बारे में। दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य, ये जो होता है दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य, जैसे एक वाटर हो सकता है तो दीवार हो सकता है, शीशा हो सकता है, यानी दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, असंजक बल कहते हैं। ठीक है, आप यहां से लिखिए ससंजक बल, ये हो गया। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं असंजक बल के बारे में। आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, असंजक बल के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण है, काफी जरूरी है। मैं बताऊंगा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन करके भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एहेसिव फोर्स। आगे लिखना है, एहेसिव फोर्स असंजक। अब देखिए, इसमें जो होता है दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगता है ये बल, जो होता है ये दो भिन्न भिन्न, लिखना है यहाँ पे, दो भिन्न 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 अणुओं, दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल कहते हैं दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असंजक बल काफी ज्यादा जरूरी है आपके डेली लाइफ के लिए। ठीक है, देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि ये जो फोर्स लगता है वो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगता है। जब किसी ठोस वस्तु का असंजक बल का मान द्रव्य के अणु के ससंजक बल के मान से कम होता है तो द्रव्य उस पदार्थ को नहीं भिगोता। देखिए, बात ये आता है कि दो मतलब ऐसे ठोस पदार्थ जिसका असंजक बल का मान क्या हो, कम हो, असंजक बल का मान क्या हो, कम हो, और ससंजक बल का मान ज्यादा हो, असंजक बल का मान कम और ससंजक बल का मान ज्यादा, तब वो वस्तु क्या करेगा, किसी वस्तु को भिगो देता है। अब हम लोग बात चर्चा ये करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा तरह से समझिएगा कि कोई वस्तु जो होता है, कोई वस्तु को पानी कैसे भिगो देता है, कैसे भिगो देता है। मैंने अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे चर्चा किया कि ये जो होता है इसका कोई आकृति नहीं होता, शेप नहीं होता, इसको जहां पर रखिएगा वहीं पर ये क्या करता है, अपना आकार बना लेता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव का क्या होता है, हमेशा अपने क्षेत्रफल बनाने के लिए अपने पृष्ठ तनाव के कारण ही ये क्या करता है, हरदम इसके पृष्ठ जो होते हैं आपस में ये रहते हैं, मतलब अपने आप को टेंशन में रखते हैं। इसके कारण ये क्या होता है कि ये किसी भी पात्र में आप रखिए तो ये उस आकार का हो जाता है। ठीक,
दूसरी चीज ये बात करते हैं हम कि द्रव जो होता है किसी वस्तु को कैसे भिगो देता है, क्यों भिगो देता है। तो जब किसी ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ होता है, अगर आप ये मार्कर की बात करें तो ये क्या है आपका एक पदार्थ हो गया, तो इसको वाटर जो होगा, लिक्विड जो होगा, इसको कैसे भिगो देगा, इस पे बात करेंगे। अब देखिए ये वस्तु जो है इसका असंजक बल का मान क्या हो जाएगा, इसके असंजक बल का मान कम हो जाएगा और ससंजक बल का मान क्या हो जाएगा, ससंजक बल इसका मान, असंजक बल का मान जो होगा ससंजक बल के मान से कम हो जाएगा। असंजक बल का मान, असंजक बल का मान, असंजक बल का मान ससंजक, ससंजक बल के मान से कम। यहां समझिए, असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, किसी वस्तु को भिगो देगा, किसी वस्तु को भिगोता है। अगर यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि ससंजक बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और असंजक बल का मान कम हो जाएगा तो ये किसी वस्तु नहीं भिगोएगा। बस क्लियर, यहां से यही बात क्लियर कराना चाह रहे थे हम। अब देखिए पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पारा, देखिए पारा जो होता है वो कांच पे नहीं चिपकता है, लेकिन वाटर जो होता है कांच पे चिपक जाता है, इसका क्या कारण है, यही कारण है, इसका यही कारण है, ठीक है। अब एक और चीज आता है कि ससंजक बल का कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। अब कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि जल किसी वस्तु को क्यों भिगोता है, तो आपका आंसर होगा असंजक बल के कारण, एडहेसिव फोर्स के कारण। आप क्या करते हैं, एडहेसिव फोर्स के कारण जल जो होता है किसी वस्तु को भिगो देता है, ठीक। उसके बाद असंजक बल के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे चौक से आसानी से लिख पाते हैं और वहां पे अक्षर उभरता है। कोई आपसे पूछते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे हम लोग चौक से लिखते हैं तो उस अक्षर उभरता है, वो किसके कारण उभरता है, तो आप बताएंगे एहेसिव फोर्स के कारण। क्या बताएंगे, एहेसिव फोर्स के कारण, असंजक बल के कारण, ठीक है। क्लियर है यहां से, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कैपिलरिटी के बारे में, केशिकत्व के बारे में, तो वीडियो छोड़ के आप जाइएगा नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ये सभी बात तो हम कहते नहीं है क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर आप किसी काम को कहिएगा कि हाँ इसको कर दीजिए तो वो लोग इग्नोर कर देता है, बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ा देखा है, ठीक। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लाइक शेयर करेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर नए होंगे तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरिटी के बारे में, केशिकत्व के बारे में, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, आगे हम लोग, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मेरे शब्द से, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केश नली के बारे में, कैपिलरी कैपिलरी ट्यूब के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। करें कैपिलरी ट्यूब जो होता है एक ऐसी खोखली नली होती है जिसका त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होता है, ठीक है। और केश, इसे हम लोग क्या कहते हैं, केश नली कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम होता है, इसकी त्रिज्या जो होता है काफी कम होता है और यह क्या होता है, एक समान होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केश नली कहते हैं। अब किस नली में द्रव, किस नली जो होता है, किस नली में द्रव ऊपर चढ़ता है तथा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। अब देखिए ऊपर चढ़ने और नीचे घटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं केशिकत्व कहते हैं। इसका बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत ढेर सारा एग्जांपल है, ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का सोखना, ठीक है। मैंने पहले ही चर्चा किया था ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का सोखना। जैसे आप देखे होंगे घर के हाथ में कि तौली का एक किनारा पानी में डूब जाता है तो वो धीरे 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 क्या करता है कि वो पूरा तौली को गीला कर देता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपका केशिकत्व के कारण, किस नली के कारण ही होता है, ठीक है। दूसरा चीज मैं ये बता दूं आपको कि जैसे आप देखे होंगे लालटेन, देखे होइएगा लालटेन या लैंप देखे होइएगा, उसमें तेल क्या करते हैं हम लोग नीचे कर देते हैं, ये नहीं कि उसको भर के एकदम ऊपर नत्ती तक उसके रख देते हैं, नहीं, उसके आधा हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग बत्ती डालते हैं तो वो क्या करता है, धीरे धीरे खींचते रहता है और बत्ती जलते रहता है। दूसरा पेड़ पौधे की शाखाओं जो होता है, पेड़ पौधे की शाखा जो होता है उसमें वाटर जो होता है, वाटर, अब आपको हम पढ़ाएंगे,
को जब हम पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ प्लांट्स के बारे में, तो उसमें अच्छा से चर्चा करेंगे कि उसमें क्या होता है, कौन सा आपका हॉर्मोन्स होते हैं, कौन से उत्तक होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को ऊपर खींचते हैं और भोज्य पदार्थ को सभी ब्रांचेस में लाते हैं। तो पहले आप यहीं पे देख लीजिए कि जितने भी वाटर होते हैं वो विभिन्न पार्ट्स में कैसे पहुंचते हैं, वो केशिकत्व के कारण ही पहुंचते हैं, ठीक है, विभिन्न शाखाओं में पहुंचते हैं। अब देखिए वर्षा के बाद किसान को खेत को जोत क्यों देता है खेत को। अब देखिए खेत जब बारिश होता है तो उसमें पतला पतला क्या होता है, किस नली बन जाता है, पतला पतला किस नली, इस टाइप का किस नली बन जाता है, ये मिट्टी हो गया, उसमें क्या होता है किस नली बन जाता है पतला पतला, और इसमें क्या रहता है वाटर रहता है। अगर सन रेडिएशन इस पे पड़ेगा तो इसमें इसको क्या करेगा, इसके नमी को, मिट्टी के नमी को क्या करेगा, नीचे तक सुखा देता है। इसलिए किसान इसकी क्या करता है, जुताई कर देता है ताकि ये किस नली क्या होगी फूट जाए और खेतों की नमी जो है बरकरार है, ठीक है। अब पेन के बीच में, पेन का नीब जो होता है, पेन का नीब ऐसे होता था पुराने जमाने, और उसमें क्या होता है बीच में चीरा होता था, स्याही को गिरने के लिए यहाँ पे स्याही आएगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ठीक है। अब कह रहा है कि कॉफी पाउडर में चाय का घुलना। अब देखिए कॉफी पाउडर में चाय का घुलना जो है, मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोहेसिव फोर्स एहेसिव फोर्स मैंने बताया था कि अगर असंजक बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ससंजक बल का मान कम हो जाएगा तो वो किसी वस्तु को अपने में घुला लेगा, ठीक है, सोल्यूट कर लेता है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। आज हम लोग इतना है इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, घर में रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा से रहे, गुड डे गुड नाइट। आप वीडियो को जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा।